व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए गुड़ की बर्फी लेके आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल बहुत अच्छा आता है, बहुत ही डिलीशियस है। आप खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे, और इस तरह से किसी के सामने भी सर्व करेंगे इस तरह से, तो कोई बता नहीं सकता कि ये गुड़ की बर्फी है। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही फायदेमंद है और बहुत टेस्टी भी है। तो ये कैसे बनेगा, चलिए मैं आपको बता। हमने दाल भिगो के रखा हुआ है ओवरनाइट के लिए, और ये देखिए ये अच्छे से फूल गई है। इसमें हमने मूंग की दाल डाला है आधा कप, एक कप चने की दाल, दोनों लेकर हमने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। अब ये अच्छे से फूल गई है। अब इसको धुलकर पानी ड्रेन कर देंगे। पानी इसका हमने निकाल दिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो बहुत ही थोड़ा पानी, यानी कि 1 टीस्पून डालकर आप इसको पेस्ट बना सकते हैं। अब एक जार लेंगे, इसमें दाल को डालकर ग्राइंड कर लेंगे। महीन पेस्ट बनाना है इसका। दालों को हमने ग्राइंड कर लिया है, ये देखें इस तरह से बिल्कुल महीन पेस्ट बना है। ये देखें बिल्कुल महीन है, जरा भी खड़ी दालें नहीं है इसमें। और बहुत महीन अगर खड़ी रह भी जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसे हम, और ये देखिए इसी तरह हमने सारी दालों को ग्राइंड कर लिया है। अब इसको भी इसी में निकाल लेंगे। ये देखिए अब इसको साइड में रखें। एक पैन रखना है इस तरह से, और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल 2 टेबल स्पून के बराबर। और ये देखें ये हमने गुड़ है इसको 100 ग्राम तक लेकर इसको कद्दूकस कर लिए हैं। आप चाहें तो गुड़ को तोड़कर भी आप इसको इसमें सॉस बना सकते हैं। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। देखिए गुड़ को हमने सारा पैन में डाल लिया है। अब इसको स्लो आंच में हमें इसकी चाशनी बनानी है। कितनी चाशनी बनानी है पहले मैं गुड़ को भून लूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए हमने गुड़ को डाल लिया है, और अब इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी चाशनी बनाने के लिए। ये देखें इस तरह से, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं और चाशनी बनने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इसको चलाते रहिएगा, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करिएगा। चाहे तो आप मीडियम टू लो फ्लेम कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें 2 मिनट हो गया इसको पकाते हुए, और इसकी चाशनी अब चेक कर लेते हैं। अभी हल्की सी कसर और है, थोड़ा सा 1 मिनट तक हम इसे और पकाएंगे। 1 मिनट हो गया है इसे और पकाते हुए, अब आइए फिर से चेक कर लेते हैं। बीच बीच में चेक करते रहेंगे वरना चाशनी हमारी टाइट हो जाएगी। और ये देखें हल्की सी तार बनना शुरू हो गई है। बस इस स्टेज पे हमें उतार लें। एक कढ़ाई हमने दूसरी रखी है, उसमें हमने 1 कप देसी घी डाला हुआ है, और ये जो दाल हमने पिसा हुआ है इसको इसमें डाल देंगे। और इसे घी में हमें भुनाई करनी है मीडियम आंच पे, जब तक दाल का कलर ना चेंज हो जाए और इसमें से खुशबू ना आने लगे, तब तक हमें दाल की भुनाई करनी है। दाल दरदरा टाइप का छोड़ने लगी है, ये देखें टुकड़े टुकड़े में दाल इसी तरह हो जाएगी। तब इसके बाद हमें और भी भुनाई करनी है इसकी। बिल्कुल दाल भुन जानी चाहिए आपकी अच्छे से। ये देखें अच्छे से ये भुन गया है, और आपको कलर भी चेंज लग रहा होगा। ये देखिए ब्राउन दिख रहा है कलर, और कितना बढ़िया, जैसे लड्डू का बेसन भूनते हैं उसी तरह ये भुन गया है बिल्कुल। ये देखिए जरा भी चिपका नहीं है, एकदम अलग अलग है इसका दाना, और ये बहुत अच्छे से भुनाई हो गई, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब इस स्टेज पर अपना ये जो हमने गुड़ की चाशनी बनाई थी इसको इसमें डाल देंगे। इस तरह से मिक्स कर लेना है सबको। ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, एक बार आप ट्राई इसे जरूर करिएगा। इसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे, जैसे कि थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट इस तरह से, और इसको भी मिक्स कर देंगे। और ये थोड़ा सा हमने खोवा लिया है, एक छोटी कटोरी। आप ये ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें, खोया बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपका आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है खोया तो कोई बात नहीं, ऐसे ही टेस्ट इसका बहुत बढ़िया आता है। देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है,
इसको थोड़ी देर इसी तरह चला लेंगे धीमी आंच पे। और ये देखिए ये कढ़ाई अब छोड़ने लगा है, इसका मतलब कि ये मिश्रण हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से गैस बंद कर देते हैं। देखिए इस तरह से कोई ट्रे ले लीजिए या थाली ले लीजिए, जिसमें भी आप जमाना चाहें जमा सकते हैं। और थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा नीचे। और ये जो हमने बनाए हैं इसको इसमें डाल देंगे। ये बहुत जल्दी सेट होने लगता है, जितना मोटा पतला आपको रखना है उस हिसाब से आप जमाएंगे इसको। और इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे इस तरह से, और ऊपर से पिस्ता डालेंगे। ड्राई फ्रूट को भी हमने सेट कर लिए हैं। अब इसको बिल्कुल ठंडा होने तक हमें इसी तरह काउंटर पे छोड़ देना है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए, ये अच्छे से अब सेट हो गया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आप जिस शेप में काटना चाहें इसका शेप दे सकते हैं। हमने निकाल कर इसमें सर्व किया हुआ है। ये देखें गुड़ की बर्फी बनकर कितना बढ़िया तैयार हुई है, कितनी टेस्टी दिख रही है। आप भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनती है, बहुत ही टेस्ट है। आप ये कोई नहीं बता सकता, अगर आप किसी के सामने सर्व करेंगे तो कोई नहीं बता सकता कि ये गुड़ की बनी हुई है। और गुड़ तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये बहुत टेस्टी है। एक बार आप इसे ज़रूर बनाइएगा। एक मैं आपको दिखाती हूँ निकाल कर, देखिए कितनी बढ़िया सेट हुई है बर्फी। ये देखें कितना बढ़िया हुई है सर। इस तरह से आप भी बनाएंगे तो आपकी भी बर्फी बहुत बढ़िया सेट होकर तैयार होगी। और ये बहुत डिलीशियस लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको ये गुड़ की बर्फी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।